Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel Krishi Valley. Here in this video, we will discuss chapter 22, that is mineral nutrition, and this is the part 3 of this video lecture. If you have not watched the earlier two lectures, then the link given in the description box, you can check it. And if you are new to my channel and still not subscribed, then please subscribe and like and share this video more and more. Before starting the chapter, I have a question for you, and the question is, the mobility of calcium in plant system is, यानी plant system में calcium की जो mobility है वो क्या है? इनमें से options are mobile, less mobile, moderate mobile, immobile. तो हमने previous lecture में पढ़ा था कि जो different elements होते हैं, nutrients होते हैं, उनकी जो mobility होती है soil और plants में अलग-अलग nutrients की अलग-अलग होती है. तो यहाँ पूछा क्या है कि calcium की जो mobility है plants में वो क्या है? Now we have to start the chapter from this point, that is role of essential plant nutrients. Hidden hunger तक हमने इस chapter को discuss करा था. अब हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स. तो जितने भी इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो जैसे कि मैक्रो और माइक्रो हमने पढ़ा था, तो उनका क्या रोल होता है? ठीक है, तो यहाँ पे इनका फर्स्ट होता है कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड इट्स मेटाबॉलिकली एक्टिव कंपोनेंट कंपाउंड्स. यानी सेल में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं, वी ऑल नो सेल के अंदर क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उन सबका एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट तैयार करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है. सेकेंड पॉइंट इज इन द मेंटेनेंस ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. पूरे सेल में जितने भी पार्ट्स होते हैं, उन सबको ऑर्गेनाइज रखने के लिए, उन सबको ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए भी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ज़रूरी होते हैं. जैसे टर्जिडिटी, प्लांट्स में जो वाटर जाता है तो स्वेल अप हो जाता है, उसके बाद उसकी टर्जिडिटी चेंज हो जाती है, और जब वाटर निकल जाता है तब उसकी टर्जिडिटी चेंज हो जाती है. तो ये सारा जो मैकेनिज्म होता है वाटर की मूवमेंट का, ये भी न्यूट्रिएंट्स की वजह से होता है. आफ्टर दैट थर्ड वन इज़ इन द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन. एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है. अभी हम आगे डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे किस तरह से एनर्जी ट्रांसफर में वो हेल्प करते हैं. एंड द फोर्थ वन इज एंजाइम एक्शन. बहुत सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो एंजाइम एक्शन का भी रोल प्ले करते हैं. तो ये चार इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं न्यूट्रिएंट्स के. अब वन बाय वन हमको न्यूट्रिएंट्स को डिस्कस करना है, एंड वी विल स्टार्ट विद नंबर वन न्यूट्रिएंट, दैट इज़ नाइट्रोजन. तो हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिएंट्स को हम क्लासिफाई जब कर रहे थे, हमने देखा था कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं. सबसे पहले आते हैं हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिनकी आवश्यकता कितनी होती है, मोर देन 1 ppm. 1 ppm से ज़्यादा चाहिए होते हैं मैक्रो एलिमेंट्स. इनमें भी फर्दर हमने देखा था कि कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं प्राइमरी होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं सेकेंडरी में आते हैं. प्राइमरी में हमारा एग्जाम्पल था एन, पी, के, और सेकेंडरी में हमने पढ़ना है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर. ओके, तो स्टार्ट करेंगे हम प्राइमरी के पहले वाले से, नाइट्रोजन से हम स्टार्ट करेंगे. नाइट्रोजन की हमने दो फॉर्म्स पढ़ी थी कि नाइट्रोजन जो होता है, कोई भी प्लांट होता है वो किसी भी एलिमेंट को जब एब्जॉर्ब करता है तो या तो वो आयनिक फॉर्म में करता है या फिर उसको नॉन आयनिक फॉर्म में करता है. और नाइट्रोजन जो है उसको प्लांट्स जो होती है आयनिक फॉर्म में करते हैं. आयनिक में भी बोथ कैटाइंस एंड आयंस. कैटाइंस आयंस का मतलब होता है कि पॉजिटिव फॉर्म्स, और जिनके पास नेगेटिव चार्ज होता है वो वाली फॉर्म. तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, लाइक NH4 पॉजिटिव, ये हमारे कैटाइंस में आता है, और NO3 नेगेटिव, ये हमारे एनाइन में आता है. ठीक है, तो उसका मतलब है कि प्लांट्स जो होते हैं नाइट्रोजन को कैटाइन आयन दोनों फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं. ओनली नाइट्रोजन इज नॉट प्रेजेंट इन द बेडरो, एंड इट्स प्रेजेंस कैन ओनली मेड थ्रू ऑर्गेनिक मैटर. अब प्लांट्स को ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल होता है उसके ऑर्गेनिक मैटर से. ठीक है, तो यहाँ से माइक्रोब से, लाइटनिंग से, यहाँ से सब इन सब जो सोर्सेज हैं, यहाँ से नाइट्रोजन जो है प्लांट्स को अवेलेबल हो जाता है. इसके बाद हमको एक रिएक्शन ध्यान रखनी है. सबसे पहले जो NO3 नेगेटिव होता है, दैट इज़ कॉल्ड नाइट्रेट. इस पर एक एंजाइम वर्क करता है, नाइट्रेट रिडक्टेज. जब नाइट्रेट पे नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम एक्ट करता है तो ये कन्वर्ट हो जाती है NO3 नेगेटिव से NO2 में. उसके बाद ये NO2 का मतलब होता है नाइट्राइट, जिसमें 3 होता है उसका मतलब होता है नाइट रेट, RATE रेट, और जिसमें 2 लग जाता है दैट इज़ नाइट्राइट. अब नाइट्राइट में नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम एक्ट करता है, ये है एंजाइम, और ये बन जाएगा HNO2. HNO2 कन्वर्ट टू हाइड्रोक्सिल अमीन, देन आफ्टर दैट
फॉर्मेशन ऑफ NH3 अमोनिया। ओके, तो यहाँ पे NH3 जो है वो बन जाता है। और ये NH3 का काम क्या है, ये NH3 जो होता है अमीनो एसिड्स के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वी ऑल नो जो प्रोटीन्स होते हैं वो अमीनो एसिड से ही बने होते हैं, तो जो NH3 है वो बाद में अमीनो एसिड्स की सिंथेसिस में हेल्प करता है। नाइट्रोजन इज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, अब यहाँ पे जितने भी हमको एलिमेंट्स स्टडी करने हैं हमें उनमें दो तीन पॉइंट्स याद रखने हैं कि वो किसके एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। ठीक है, एक तो किसके एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनके डिफिशेंसी से क्या हो जा रहा है, और उनका जो परसेंटेज रहता है हेल्दी प्लांट्स में कितना कंसंट्रेशन में वो पाए जाते हैं, ये पॉइंट्स हमको पढ़ने हैं। तो यहाँ पे हमको पहला पढ़ना है कि एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट किस किस का है, यानी नाइट्रोजन जो है किसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में पाया जाता है। तो नाइट्रोजन जो है पाया जाता है प्रोटीन में, न्यूक्लिक एसिड यू ऑल नो RNA DNA ये हमारे न्यूक्लिक एसिड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड में, अमीनो एसिड्स में अभी हमने देखा कि NH3 जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है अमीनो एसिड्स में। आफ्टर दैट क्लोरोफिल, लीव्स में जो फोटोसिंथेसिस के लिए पिगमेंट ज़रूरी होती है क्लोरोफिल, वहाँ पे भी नाइट्रोजन का रोल होता है। फॉस्फोलिपिड्स में होता है, एल्कलॉइड्स, एंजाइम्स सबको पता है कि प्रोटीनेशियस होते हैं और नाइट्रोजन का कंपोनेंट होता है। इसके अलावा एंजाइम, प्रोटीन, विटामिंस, इन सब में क्या होता है नाइट्रोजन जो है इनका स्ट्रक्चर फॉर्म करने में हेल्प करता है। तो वी कैन से नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल ऑफ दीज। इसका फंक्शन क्या होता है, नाइट्रोजन जो होता है वो प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, इट इम्पार्ट डार्क ग्रीन कलर टू द प्लांट्स, और जो सकुलेंट प्लांट्स होते हैं और लीफी वेजिटेबल्स उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने का भी काम कौन करता है, नाइट्रोजन करता है। अगर नाइट्रोजन की डिफिशेंसी हो जाती है उस केस में क्या होता है, नाइट्रोजन की डिफिशेंसी के केस में क्या होता है, एंथोसियानिन का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, सिंथेसिस ऑफ एंथोसियानिन, और एंथोसियानिन की वजह से क्या होता है डिफरेंट कलरेशन प्लांट्स में आने लगते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने बोला कि नाइट्रोजन का काम होता है प्लांट्स को डार्क ग्रीन कलर देने का, नाइट्रोजन डार्क ग्रीन कलर देगी प्लांट्स को, लेकिन अगर नाइट्रोजन कम हो गया तो एंथोसियानिन बनने लगेगा, एंथोसियानिन प्रोड्यूस हो जाएगा और ये एंथोसियानिन डिफरेंट कलरेशन देगा, मतलब प्लांट्स में डिफरेंट कलर्स बन जाएंगे एंथोसियानिन की वजह से। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा कि जो एंथोसियानिन होता है वो कब प्रोड्यूस होता है, जब नाइट्रोजन डिफिशियंट होने लगती है, और नाइट्रोजन ग्रीन कलर देता है, और अगर नाइट्रोजन कम हो जाएगा तो एंथोसियानिन की वजह से डिफरेंट टाइप्स के कलर्स वहाँ पे प्रोड्यूस होने लगते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हमें याद रखना है कि एक हेल्दी प्लांट में कितना नाइट्रोजन पाया जाता है, तो एक हेल्दी प्लांट में 1-5% नाइट्रोजन पाया जाता है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1-5% नाइट्रोजन याद रखना है। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट एलिमेंट में, दैट इज फॉस्फोरस। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट आफ्टर नाइट्रोजन इज फॉस्फोरस। नाइट्रोजन के बाद हम डील करेंगे फॉस्फोरस के लिए। तो जो फॉस्फोरस होता है उसकी जो अवेलेबिलिटी रहती है सॉइल में वो डिपेंड करती है कि सॉइल का पीएच क्या है। सॉइल का पीएच एसिडिक है, न्यूट्रल के पास है, या बहुत ज़्यादा एल्कलीन पीएच है, उस पीएच पे निर्भर करता है कि फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी क्या होगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो जो पीएच है अगर एसिडिक है, न्यूट्रल है, 7 पीएच है या अल्कली पीएच है, तो फॉस्फोरस की जो अवेलेबिलिटी है वो डिफरेंट है, यानी उसकी जो फॉर्म्स होती हैं, जैसे हमने पढ़ा था फॉस्फोरस की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। तो जैसे हमने पढ़ा था H2PO4-, तो देखो एसिडिक पीएच का मतलब क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन आयन्स जो होते हैं ज़्यादा होते हैं, तो ये जो याली कंडीशन होती है, इस कंडीशन में ये जो फॉर्म हम देख रहे हैं H2PO4-, इसमें हाइड्रोजन आयन्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, दैट मींस ये एसिडिक कंडीशन में ही पाया जाएगा, यानी H2PO4- वाली जो फॉर्म है वो एसिडिक कंडीशन पाई जाएगी। जैसे जैसे पीएच न्यूट्रल आ जाता है, 7 पीएच आ रहा है न्यूट्रल के पास, अब हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन थोड़ा कम हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा था H2, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही H बचेगा और उसका नाम होता है HPO4-। अब एल्कली कंडीशन आता आते हाइड्रोजन गायब हो जाएगा, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, दैट इज़ यहाँ पे PO4-, एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो यहाँ पे जो पावर है वो हो जाएगी -3 में, 3-, ठीक है। तो जो पीएच है उसके अकॉर्डिंग जो है फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी
सॉइल में डिफरेंट रहती है, एसिडिक में अलग, न्यूट्रल में अलग और एल्कलीन कंडीशन में अलग होता है। इसके बाद क्या होता है कि जो एसिडिक कंडीशन होती है, एसिडिक कंडीशन में आयरन और एल्यूमिनियम पाया जाता है, ठीक है। तो एसिडिक कंडीशन में क्या होता है कि आयरन एंड एल्यूमिनियम एंटागोनाइजेस द अपटेक ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के अपटेक में आयरन और एल्यूमिनियम क्या करते हैं, बैरियर बन जाते हैं। इसी तरह अगर हम एल्कलीन कंडीशन की बात करें, एल्कलीन कंडीशन यानी जिसका पीएच 14 की तरफ मूव कर रहा है, उस कंडीशन में कैल्शियम जो होता है वो एंटागोनाइजेस करेगा अपटेक ऑफ फॉस्फोरस को। तो रिमेंबर दिस, एसिडिक कंडीशन में एल्यूमिनियम एंड आयरन, ठीक है, आयरन एंड एल्यूमिनियम प्रेजेंट होते हैं, और एल्कलीन कंडीशन में कैल्शियम आयन प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि हेल्दी प्लांट्स में जो फॉस्फोरस कंटेंट रहता है दैट इज़ अबाउट 0.1 to 0.4%। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने नाइट्रोजन का पढ़ा था, नाइट्रोजन 1 to 5% पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है नाइट्रोजन प्लांट्स में। फॉस्फोरस का जो परसेंटेज है थोड़ा कम है, दैट इज़ 0.1 to 0.4% इन अ हेल्दी प्लांट। इसके अलावा ड्यू टू नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ अ सिंगल एलिमेंट ऑफ फॉस्फोरस प्लांट्स कैन नॉट कम्प्लीट देयर लाइफ साइकिल। अगर फॉस्फोरस की डिफिशियंसी हो रही है तो प्लांट्स अपनी लाइफ साइकिल कम्प्लीट नहीं कर पा रहे। इस यही कारण है कि हम फॉस्फोरस को क्या बोलते हैं, की ऑफ लाइफ। ये इंपॉर्टेंट है, फॉस्फोरस को की ऑफ लाइफ क्यों कहा गया है, आई मीन की टू लाइफ, ठीक है। की टू लाइफ इसलिए कहा गया है कि प्लांट्स अपनी लाइफ साइकिल ही कंप्लीट नहीं कर पाएंगे अगर फॉस्फोरस ना हो। तो दैट इज़ वाई फॉस्फोरस रिफर्ड एज की टू लाइफ। अभी हमने देखा था कि नाइट्रोजन जो होता है वो प्लांट्स की ग्रीन लीफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्लांट्स का जो ग्रीन कलर होता है लीव्स का वो नाइट्रोजन की वजह से होता है। सिमिलरली जो प्लांट्स में फॉस्फोरस होता है वो उनकी रूट्स की ग्रोथ के लिए मेंटेन करता है। नाइट्रोजन क्या करता है, वो प्लांट्स की लीव्स जो होती हैं और वी कैन से अपर ग्रोथ जो होती है, अपर ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड के लेवल के ऊपर जो भी हमारे पेड़ होते हैं, उसके पत्ते होते हैं, उसकी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन ग्राउंड के नीचे जो रूट सिस्टम होता है, उन रूट्स की ग्रोथ के लिए फॉस्फोरस रिस्पॉन्सिबल होता है। तो फॉस्फोरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट। ये रूट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्ट्रेंथन प्रोवाइड करने के लिए फॉस्फोरस बहुत ज़रूरी होता है। अब फॉस्फोरस किसके कॉन्स्टिट्यूएंट है वो देखना है हमको, ठीक है। तो हम जैसे हमने नाइट्रोजन देखा था कि नाइट्रोजन प्रोटीन, लिपिड और एंजाइम्स, हार्मोन्स, इन सब के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में पाया जाता है, तो वैसे ही फॉस्फोरस किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, न्यूक्लिक एसिड का, फाइटिन का, फॉस्फोलिपिड्स का, एटीपी का, एंड एसेंशियल ऑफ रिप्रोडक्टिव फंक्शन। जितने भी रिप्रोडक्टिव फंक्शंस होते हैं प्लांट्स में, फ्लावर बनना, फ्लावर के बाद सीड्स का फॉर्मेशन होना, इन प्रोसेस में भी फॉस्फोरस इक्वली रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड आफ्टर दैट स्टिमुलेट द रूट ग्रोथ। तो हमने देखा कि रूट की ग्रोथ के लिए भी फॉस्फोरस ज़रूरी होता है। देन एनहांस द एक्टिविटी ऑफ राइजोबिया एंड रूट नोड्यूल्स। तो जो राइजोबिया होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, जितने भी हमारी पल्सेज होती हैं, पल्स क्रॉप्स में राइजोबियम होता है, राइजोबिया और नोड्यूल्स फॉर्मेशन के लिए भी फॉस्फोरस बहुत ज़रूरी होता है। इंक्रीज द रेशियो ऑफ ग्रेन भूसा, इट गिव्स अ रैपिड एंड विग्रस स्टार्ट टू प्लांट एंड स्ट्रेंथन द स्ट्रॉ एंड डिक्रीज द लॉजिंग टेंडेंसी। तो प्लांट्स क्या करते हैं, अगर जिस प्लांट्स में फॉस्फोरस का अमाउंट अच्छा खासा होता है, हमने पढ़ा एक हेल्दी प्लांट में 0.1 to 0.4% फॉस्फोरस पाया जाता है, तो अगर हेल्दी प्लांट में इतना फॉस्फोरस पाया जाएगा तो उसमें क्रॉप लॉजिंग नहीं होगी, यानी जो क्रॉप लॉजिंग जो हो जाती है ड्यू टू हाई विंड वेलोसिटी, क्रॉप्स एक साइड गिरने लगते हैं, वो नहीं होगा। देन एक्सेस फॉस्फोरस मे कॉज इन सम केसेज अ डेफिशियंसी ऑफ ट्रेस एलिमेंट्स, पर्टिकुलरली आयरन एंड जिंक। कुछ केस में देखा गया है कि अगर फॉस्फोरस ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है, जैसे 0.1 to 0.4% ही नॉर्मल होता है, लेकिन अगर 0.4 से भी वो ज़्यादा हो गया, उस कंडीशन में क्या है कि आयरन और जिंक जो हैं ये डेफिशिएंट हो जाएंगे, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ ट्रेस एलिमेंट्स, ये हमारे आयरन जिंक के हैं, ट्रेस एलिमेंट्स हैं, माइक्रो एलिमेंट्स में गिने जाते हैं, और इनकी डेफिशिएंसी होने के चांसेस हैं कब, जब हमारा फॉस्फोरस का लेवल एक्सेस हो जाएगा तब। द नेक्स्ट एलिमेंट इज पोटेशियम। अभी हमने नाइट्रोजन पढ़ा है, फॉस्फोरस पढ़ा है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पोटेशियम के बारे में। इनका जो परसेंटेज रहता है और उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या रहते हैं वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। जैसे नाइट्रोजन हमने देखा था, नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है 1 to 5%, फॉस्फोरस थोड़ा कम था 0.1
1 to 0.4%। ठीक है, तो अब हमें पोटेशियम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, वैसे तो पोटेशियम जो होता है किसी का कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं होता। ठीक है, ये किसी की कंपोजिशन में जो है एंटर नहीं होता, डजंट एंटर इनटू द कंपोजिशन ऑफ एनी ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लांट कंस्टिट्यूएंट। ये किसी भी प्लांट का जो इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, स्ट्रक्चर होता है, बनावट होती है, उसमें पोटेशियम का कोई एज सच रोल नहीं होता स्ट्रक्चर फॉर्म करने में या कंपोजिशन में। ये प्लांट्स में कैसे पाया जाता है, सॉल्यूशन में, इन द सेल सैप। प्लांट्स का जो सेल सैप होता है, सेल होता है, सेल के अंदर हमें बहुत पता है बहुत सारी चीज़ होती है, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, तो सेल के अंदर जो सेल सैप होता है वहाँ पे पोटेशियम प्रेजेंट होता है, ये ध्यान रखना है। अब इसका रोल क्या होता है, पोटेशियम क्यों इंपॉर्टेंट होता है प्लांट के लिए, बिकॉज प्लांट्स में हम सबको पता है डिसीज़ लगती है, तो डिसीज़ से रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराने के लिए पोटेशियम ज़रूरी होता है, ये डिसीज़ रेजिस्टेंट प्रोवाइड कराता है। एंड इट प्रोड्यूस पोटेशियम क्या करते हैं, प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग स्टिफ स्ट्रॉ स्पेशली इन पैडी एंड वीट। वी ऑल नो जो पैडी और वीट हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप्स हैं, उनका जो स्ट्रॉ होता है वो बहुत ज़्यादा स्टिफ और स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है पोटेशियम की वजह से होती है। आफ्टर दैट जो पोटेशियम होता है वो वाटर बैलेंस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मिट्टी में या प्लांट में कितना पानी है, कितना अवेलेबल वाटर और उसको कैसे यूज़ करना है एक प्रॉपर बैलेंस बना के, ये काम पोटेशियम करता है। इसके अलावा जितने भी हमारे स्टार्ची क्रॉप्स होते हैं जिनमें स्टार्च शुगर ज़्यादा पाया जाता है और सिंपली वी कैन से कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज़्यादा है, जैसे पोटैटो, स्वीट पोटैटो, टर्निप, बनाना, इन क्रॉप्स में क्या होता है कि स्टार्च का ट्रांसफ़र करने में, ट्रांसलोकेशन में पोटेशियम अपना रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो लीफी वाले क्रॉप्स होते हैं जिनमें लीव्स बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक वैल्यू होती है, जैसे टोबैको की लीव्स बहुत, जो टोबैको होता है उसकी लीव्स की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, तो ऐसे क्रॉप्स में जो लीव्स की कंडीशन होती है उसको इम्प्रूव करने का काम पोटेशियम करता है। इट हेल्प्स इन मेंटेन द कीपिंग क्वालिटी ऑफ द फ्रूट्स, फ्रूट की कीपिंग क्वालिटी को बढ़ाने का काम पोटेशियम करता है। जबकि अगर हम बात करें सिट्रस में, तो सिट्रस में अगर पोटेशियम बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाता है तो उसका बैड इफेक्ट भी शो होता है, तो इसलिए कहा गया कि एक ऑप्टिमम अमाउंट में ही, एक हेल्दी प्लांट में एक कुछ सर्टेन अमाउंट का ही पोटेशियम पाया जाना चाहिए, और वो अमाउंट होती है 0.1 से 0.5% के बीच में। नाइट्रोजन में हमने देखा था, नाइट्रोजन जो होती है 1 to 5% पाया जाता है, फॉस्फोरस का 0.1 से 0.5% था, और पोटेशियम होता है फॉस्फोरस 0.1 से 0.4 था, और पोटेशियम होता है 0.1 से 0.5% के बीच में। इसके अलावा पोटेशियम के और भी रोल होते हैं, ये ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब सिंपली प्लांट्स की बॉडी में जो पूरा का पूरा कैटायन एनायन का एक पूरा प्रॉपर बैलेंस मेंटेन होता है, दैट इज़ नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन। स्टोमेटल मूवमेंट में हेल्प करते हैं, वी ऑल नो प्लांट्स में जो लीव्स होते हैं वहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, जो कि किडनी शेप के स्टोमेटा होते हैं, किडनी शेप्स होते हैं लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। वी ऑल नो एट द डे टाइम स्टोमेटा आर ओपन एंड एट नाइट दे आर क्लोज, तो इस जो स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग होती है, मूवमेंट होती है, इसको रेगुलेट करते हैं पोटेशियम। इट एक्ट एज अ ट्रैफिक पुलिसमैन, रूट बूस्टर, स्टॉक स्ट्रेंथर। ठीक है, अभी हमने देखा था कि जो वीट और पैडी होते हैं उनका जो स्ट्रॉ होता है वो इतना ज़्यादा स्टिफ और स्ट्रॉन्ग होता है, उसको स्ट्रेंथ कहाँ से मिलती है, पोटेशियम से मिलती है। इट इज़ अ फूड फॉर्मर, स्टार्च और शुगर का ट्रांसपोर्टर कहा जाता है पोटेशियम को, प्रोटीन बिल्डर होते हैं ये, ब्रीदिंग रेगुलेटर, वाटर स्ट्रेचर, मतलब वाटर स्ट्रेचर का मतलब है कि इनकी रूट डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, ताकि जितनी भी गहराई में जाके वाटर है वो अच्छे से उसको एक्सट्रैक्ट आउट कर सकें। डिसीज़ रिटार्डेंट होते हैं, क्यों, क्योंकि प्लांट्स में जो डिसीज़ रेजिस्टेंट की एक फीचर होता है वो पोटेशियम ही डेवलप करते हैं, लेकिन पोटेशियम की इफ़ेक्टिवनेस तभी होगी जब उसके को न्यूट्रेंट्स नाइट्रोजन और फॉस्फोरस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इट मीन्स कि हमने फॉस्फोरस में अब तक क्या पढ़ा, फॉस्फोरस बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ये किसी का कॉन्स्टिट्यूएंट तो नहीं है, ये प्लांट में जो सेल्स है होते हैं वहाँ पे पाया जाता है, और बहुत सारे फंक्शन ये परफॉर्म करता है, जैसे किसी के स्ट्रॉ को स्ट्रेंथनेस प्रोवाइड कर रहा है, स्टार्च को ट्रांसलोकेट कर रहा है, फ्रूट की कीपिंग क्वालिटी, टोबैको लीव्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, डिसीज़ रेजिस्टेंट और स्टोमेटा मूवमेंट में, ऑस्मो रेगुलेशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और इसका परसेंटेज याद रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हेल्दी प्लांट में 0.1 से 0.5% का पोटेशियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
अब हम आते हैं कैल्शियम में, नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम, और कैल्शियम हमारा एक सेकेंडरी मैक्रो न्यूट्रिएंट में गिना जाता है। अभी हमने एनपीके कवर करा है, एनपीके हमारा प्राइमरी में आता है और कैल्शियम हमारा सेकेंडरी में आता है। कैल्शियम की अगर बात करें तो कैल्शियम किस किस का कॉन्स्टिट्यूएंट है, यानी किस किस स्ट्रक्चर में इसका रोल होता है, तो जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल इट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट। वी ऑल नो दो किंगडम होते हैं, एक होता है प्लांट किंगडम और यू कैन सिंपली से प्लांट सेल्स, और दूसरे होते हैं एनिमल सेल्स, यानी जो ह्यूमन बींग का सेल होता है इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड अंडर द एनिमल सेल्स। एक कॉमन डिफरेंस जो होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल का वो यही होता है कि प्लांट सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल्स के अंदर, एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। तो यहाँ पे हम सेल वॉल की बात कर रहे हैं और हम प्लांट्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो प्लांट्स में सेल वॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और ये सेल वॉल किसकी बनी होती है, कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। आप देख सकते हैं कैल्शियम का यहाँ पे रोल है, ठीक है। एंड इट्स हाईली रिक्वायर्ड इन टेलोफेज ऑफ द सेल प्लेट फॉर्मेशन। जब भी कोई सेल डिवाइड करता है, वी ऑल नो माइटोसिस नाम का प्रोसेस होता है, दो प्रोसेस होते हैं, एक माइटोसिस साइकिल होती है, मियोसिस साइकिल होती है, उसमें डिफरेंट फेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो जो टेलोफेज होती है उसमें सेल प्लेट फॉर्मेशन होती है, सेल प्लेट फॉर्मेशन के लिए कैल्शियम इंपॉर्टेंट होता है। तो ये एक तो सेल वॉल में इंपॉर्टेंट होता है, दूसरा सेल डिविजन में भी हेल्प करता है। इट कंटेंट्स इन हेल्दी प्लांट रेंजेस फ्रॉम 0.2 to 0.1, सिंपली मतलब इसका है 0.1 से 0.2, ठीक है। इतना जो अमाउंट होता है वो एक हेल्दी प्लांट में पाया जाता है। देन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है न्यूट्रलाइज द ऑर्गेनिक एसिड, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं उन सबको न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करता है, कैल्शियम। इसेंशियल इन एक्टिवेटिंग द ग्रोइंग पॉइंट स्पेशली रूट टिप्स, जो रूट्स का टिप्स होता है उसके जो ग्रोइंग पॉइंट होते हैं, एकदम टिप वाला जो पॉइंट होती है, वहाँ पर ग्रोथ को एक्टिवेट करने का, ग्रोथ को शुरू करने का काम कैल्शियम करता है। इट्स हाइड्रेशन इफेक्ट इज अपोजिट टू दैट ऑफ पोटेशियम, इसका जो हाइड्रेशन इफेक्ट होते हैं वो पोटेशियम के थोड़ा सा अपोजिट होता है, विच प्रमोट द हाइड्रेशन वेरस कैल्शियम डिप्रेस्ड इट। मतलब कह सकते हैं कि पोटेशियम जहाँ प्रेजेंट है वो तो हाइड्रेशन इफेक्ट शो करेगा, लेकिन कैल्शियम उसका डिप्रेस करेगा उसको, यानी हाइड्रेशन का अपोजिट करेगा, डिहाइड्रेशन वी कैन से। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि कैल्शियम किसका कॉन्स्टिट्यूंट है, सेल वॉल का है, और सेल डिवीजन में हेल्प करता है, टेलोफेज में प्लेट फॉर्मेशन के लिए, और एक नॉर्मल प्लांट में इसका जो कंटेंट पाया जाता है दैट इज़ 0.1 to 0.2% ऑफ कैल्शियम। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी हमारे इंपॉर्टेंट सेकेंडरी मिनरल आता है, जो कि मैक्रो न्यूट्रिएंट में गिना जाता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट का जो सेकेंडरी वाला पार्ट होता है वहाँ पे आता है। मैग्नीशियम किस किस का कॉन्स्टिट्यूंट है, ये हमारे क्लोरोफिल जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट ग्रीन कलर पिगमेंट होती है, जिसकी वजह से प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। तो क्लोरोफिल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मैग्नीशियम। ये क्रोमोसोम्स में भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, पॉलीराइबोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं। कैरियर ऑफ फॉस्फोरस इन प्लांट्स पर्टिकुलरली इन कनेक्शन विद द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स ऑफ हाई ऑयल कंटेंट, जिनमें ऑयल कंटेंट ज़्यादा होता है उन सीड्स में फॉस्फोरस के फॉस्फोरस को कैरी करने का काम मैग्नीशियम के ऊपर होता है। प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स, प्लांट्स में ऑयल्स और फैट्स की जो मात्रा होती है, कुछ प्लांट्स होते हैं जो ऑयल और फैट में रिच होते हैं, वो मैग्नीशियम की हेल्प की वजह से होते हैं। मैग्नीशियम का जो मैग्नीशियम आयंस होते हैं उनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा ये भी स्टार्च ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है, जैसे हमने देखा ना पोटेशियम स्टार्च और शुगर का ट्रांसफ़र करता है, वैसे ही सेम मैग्नीशियम भी स्टार्च के ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है। कैटलिटिक एक्शन भी होता है इसका, कैटलिस्ट की तरह भी ये रोल प्ले करता है, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं इनको स्पीड अप करने के लिए, उनको रिएक्शन का फास्ट करने के लिए, रिएक्शन रेट को फास्ट करने के लिए मैग्नीशियम एक कैटलिटिक एजेंट का काम करता है। और एक हेल्दी प्लांट में इसका जो अमाउंट होता है दैट इज़ 0.1 to 0.4%। ये जो अमाउंट है 0.1 से 0.4%, ये हमने एक और जगह पढ़ा था अभी फॉस्फोरस में, अगर आपको याद होगा कि फॉस्फोरस भी सेम यही होता है 0.1 से 0.4। तो आप इनको अच्छे से याद रखना, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा था 1 to 5, फॉस्फोरस 0.1 से 0.4, और कैल्शियम अभी तक हमने पढ़ा सबसे कम कैल्शियम है 0.1 to 0.2, और मैग्नीशियम भी फॉस्फोरस की तरह ही होता है सेम। आगे आता है हमारा सल्फर।
सल्फर अगेन हमारा सेकेंडरी मैक्रो एलिमेंट में आता है। सल्फर किस किस का कॉन्स्टिट्यूएंट है? ये अमीनो एसिड्स में पाया जाता है, सारे अमीनो एसिड्स नहीं, गिनती के सिर्फ 3 अमीनो एसिड्स होते हैं जिनमें सल्फर पाया जाता है, जिसमें से 2 तो आपने बहुत सुनोगे, मिथियोनिन एंड सिस्टीन। पर सिस्टीन की भी 2 फॉर्म होती है, एक होती है सिस्टीन, एक होता है सिस्टाइन, ठीक है, डिफरेंट होते हैं, सिस्टीन और सिस्टाइन अलग होते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं मोटा मोटा कि 3 अमीनो एसिड्स होते हैं, वैसे तो बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं लेकिन सिर्फ 3 अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिनमें सल्फर पाया जाता है। अगर आप मिथियोनिन का स्ट्रक्चर देखें, सिस्टीन सिस्टाइन का स्ट्रक्चर देखें, तो उनके स्ट्रक्चर में सल्फर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा विटामिन्स अगर देखें तो ग्लूटाथियोन, बायोटिन और थायमिन, इन विटामिन्स में भी सल्फर पाया जाता है। इसके अलावा लिपोइक एसिड, एसिटिल कोए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्रैब साइकिल में, इसमें सल्फर का रोल होता है। इसके अलावा जो सल्फर है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी पाया जाता है, जितने भी हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जिनसे बहुत अच्छा एरोमा रिलीज होता है, उनमें सल्फर पाया जाता है, जिसमें से बहुत अच्छी फ्रेगनेंस और एरोमा और क्रिएट होती है। देन एनिमल प्रोटीन इज़ रिच इन सल्फर देन प्लांट प्रोटीन। जो एनिमल प्रोटीन है, एनिमल प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन को अगर हम कंपेयर करें तो एनिमल प्रोटीन जो होता है सल्फर में रिच होता है। एनिमल प्रोटीन का एग्जांपल क्या है, जहाँ जहाँ से वो प्रोटीन की सोर्स जो हमें एनिमल से प्राप्त होता है, जैसे मिल्क है, मिल्क में भी प्रोटीन होता है पर वो हमें एनिमल से मिल रहा है, एग है, ठीक है। तो जो एनिमल सोर्स वाले प्रोटीन होते हैं उनमें सल्फर ज़्यादा अमाउंट में होता है। क्लोरोफिल फॉर्मेशन में भी सल्फर अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट में किसका होता है, अगर हम बात करें क्लोरोफिल का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, वो था मैग्नीशियम, लेकिन क्लोरोफिल की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है सल्फर। इसके अलावा ये क्या करता है, स्टेबलाइजिंग द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम्स। इंजाइम्स क्या होते हैं, बेसिकली इंजाइम प्रोटीन होते हैं और प्रोटीन में डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी एंड क्वार्टनरी। तो टर्शरी स्ट्रक्चर जो होता है एंजाइम्स का, उसको स्टेबलाइज करने का काम सल्फर करता है। इसके अलावा प्रोटीन्स में भी ये फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, नोड्यूल्स फॉर्मेशन को भी प्रमोट करते हैं, जैसे फॉस्फोरस था, फॉस्फोरस की तरह इनका भी रोल थोड़ा सेम होता है, रूट्स के में नोड्यूल फॉर्मेशन में हेल्प कर देना। इसका जो कंटेंट होता है दैट इज़ 0.1 to 0.4% इन अ हेल्दी प्लांट, और ये वैल्यू अभी हमने सेम ऊपर भी मैग्नीशियम में भी पड़ी थी 0.1 to 0.4। तो यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है और सल्फर है, इनके जो रेंज होती है एक हेल्दी प्लांट में वो कितनी पाई जाती है, 0.1 to 0.4%। अब नेक्स्ट हमको देखना है बोरोन के बारे में। तो अभी जो हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे वो हमारा कंप्लीट हो गया है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में भी हमने प्राइमरी जो थे NPK वो भी कंप्लीट कर रहा है, और सेकेंडरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये कंप्लीट कर रहा है। तो अब हमारा स्टार्ट होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट, और यू कैन से माइक्रो एलिमेंट्स। तो माइक्रो एलिमेंट्स में हमारा सबसे पहला आता है बोरोन। बोरोन क्या करता है, इट इज़ एसेंशियल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर। सबसे इम्पॉर्टेंट रोल क्या होता है इसका, शुगर ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है। जैसे हमारा जो शुगर केन होता है, शुगर केन ही इम्पॉर्टेंट क्रॉप इंडिया में जिससे हम शुगर एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, तो वहाँ पे शुगर ट्रांसलोकेशन में बोरोन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। तो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है, रिप्रोडक्शन के टाइम पे पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होना, उसमें बोरोन हेल्प करता है। प्राइमरी रोल कंसर्न विद कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, ये याद रखना, अगर बोरोन नहीं होगा तो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म हिंडर करेगा। अगर हम चाहते हैं प्लांट्स में कैल्शियम मेटाबॉलिज्म प्रॉपर हो तो हमको फर्टिलाइज़र में कहीं पे बोरोन को अप्लाई करना होगा। इट कीप्स कैल्शियम इन सॉल्युबल फॉर्म विद इन द सेल एंड एक्ट एज अ रेगुलेटर ऑफ पोटेशियम एंड कैल्शियम रेशियो, ठीक है। तो ध्यान रखना बोरोन का क्या क्या मेन फंक्शन है, फर्स्ट है ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर, सेकेंड है कि जो रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन, उसमें हेल्प करता है, और तीसरा होता है कि ये कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करता है। कैसे रेगुलेट कर रहा है, ये कैल्शियम को जो कैल्शियम और पोटेशियम का रेशियो होता है सेल में, उसको रेगुलेट करता है। देन आफ्टर दैट इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट। फंक्शंस होगी, अब हम बात करते हैं किस किस का कॉन्स्टिट्यूएंट है, यानी बोरोन कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, एसेंशियल फॉर सेल डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन में डिफरेंट फेजेस होती हैं तो वहाँ पे बोरोन इन्वॉल्व होता है। देन प्राइमरी नीडेड टू मेंटेन द अपिकल ग्रोइंग पॉइंट,
ठीक है, प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की रूट होती हैं, और ये होता है ऊपर का जो अबव ग्राउंड पार्ट होता है, एपिकल पॉइंट होता है, जहाँ से ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। तो एपिकल ग्रोइंग पॉइंट्स को मेंटेन करने के लिए वहाँ पे ग्रोथ प्रॉपर होती रहे, वहाँ पे बोरोन अपना रोल प्ले करता है, कंसर्न विद द बफर एक्शन। बफर एक्शन क्या होता है, जिससे प्लांट्स में पीएच ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करे, एकदम एसिडिक है, एकदम बेसिक पीएच ना हो जाए, ये बफरिंग एक्शन होता है। बफरिंग एक्शन में क्या होता है कि पीएच जो होता है न्यूट्रल के आसपास ही रहना चाहिए। तो बफरिंग एक्शन में बोरोन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है एंड हेल्प्स इन एक्टिव सॉल्ट एब्जॉर्प्शन। सॉल्ट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, हार्मोन मूवमेंट में बोरोन इन्वॉल्व होता है, नाइट्रोजन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो देखो एक इम्पॉर्टेंट मेटाबॉलिज्म ये आ गया, एक तो हमने पढ़ा था कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, पोटेशियम और कैल्शियम रेशियो मेंटेन करते हैं, दूसरा नाइट्रोजन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में भी बोरोन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो सी, बोरोन है तो एक ट्रेस एलिमेंट, बस का रोल बहुत ज़्यादा है, ये खुद एक माइक्रो एलिमेंट है, लेकिन ये क्या कर रहा है, मैक्रो एलिमेंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, कैल्शियम क्या है, एक मैक्रो एलिमेंट है, उसके मेटाबॉलिज्म को गवर्न कर रहा है। नाइट्रोजन क्या है, अगेन ये एक मैक्रो एलिमेंट है, लेकिन स्टिल बोरोन एक माइक्रो एलिमेंट होके कैल्शियम और नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म को गवर्न कर रहा है, साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी ध्यान रखना है। इसका जो कंटेंट होता है वो कितना होता है, क्योंकि अब हम माइक्रो एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं तो अब हम परसेंटेज नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मिलीग्राम में। ठीक है, जल्दी माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं कम पाए जाते हैं, अभी तक हमने जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे उसमें हम परसेंटेज देख रहे थे, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो स्पेशली बोरोन है, दैट इज़ अबाउट 10 to 200 मिलीग्राम बोरोन पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। याद रखना 10 से 200 मिलीग्राम के बीच में बोरोन पाया जाता है। बोरोन के बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट है, दैट इज़ आयरन। आयरन जो होता है प्लांट्स में फेरिक और फेरस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, Fe3 पॉजिटिव यानी फेरिक एंड Fe2 पॉजिटिव यानी फेरस फॉर्म। लेकिन होता क्या है, जो फेरिक फॉर्म होती है ये फेरस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, इसको हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि फेरिक में 3 पॉजिटिव और ये 2 पॉजिटिव में रिड्यूस हो रहा है, और ये किसके प्रेजेंस में होता है, ये मैगनीज के प्रेजेंस में हो रहा है। तो जब जो भी हमारा Fe3 पॉजिटिव है, जब भी वो Fe2 पॉजिटिव में बन जाता है, रिड्यूस हो जाता है, तो ये हमेशा एमन यानी मैगनीज की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन। इसके बाद हम देखते हैं कि जो आयरन है वो किस किस का कंपोनेंट है यानी कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो ये पाया जाता है फेरोडॉक्सिन। ये फेरोडॉक्सिन एक प्रोटीन होता है जो कि आयरन और सल्फर के मिक्सचर से बनता है। साइटोक्रोम, हमने जो ETS साइकिल देखते हैं प्लांट्स में, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, वहाँ पर हमने साइटोक्रोम के बारे में पढ़ा है कि किस तरह साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। तो साइटोक्रोम में उसका मेन जो कंपोनेंट है वो आयरन होता है, फ्लेवर प्रोटीन में आयरन प्रेजेंट होता है, देन एंजाइम्स होते हैं जैसे कैटालेज एंजाइम होता है, देन परऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, इन एंजाइम्स में भी आयरन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। याद रखना कैटालेज, परऑक्सीडेज एंड साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। इसके अलावा कुछ कैटलिस्ट भी कैटलिस्ट की तरह ही रोल प्ले करता है, यानी रिएक्शंस को फास्ट करने के लिए भी अपना एक कैटलिस्ट वाला रोल प्ले करता है, जैसे नाइट्रेट रिडक्टेज एक रिएक्शन होती है, वहाँ पे कैटलिस्ट का काम करता है। उसके अलावा क्लोरोफिल में सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, ऑक्सीजन कैरियर की तरह भी इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है आयरन का। इसके बाद इसका इम्पॉर्टेंट जो है इसका कंटेंट कितना होता है प्लांट में, तो उसका जो इम्पॉर्टेंट है ये कंटेंट है, दैट इज़ 100 to 500, यानी 100 से 500 मिलीग्राम पर केजी ड्राई मैटर ये प्रोड्यूस होता है। एक हेल्दी प्लांट में इतना कंटेंट जो है आयरन का पाया जाता है। बोरोन का कितना था, बोरोन का था 10 से 200 बोरोन होता है और आयरन 100 से 500 होता है। अब आगे आता है मैगनीज। मैगनीज भी एक माइक्रो एलिमेंट है, ठीक है, ये किस किस में यूज़ होता है, इसका मेन काम क्या होता है, एसोसिएटेड विद आयरन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अभी जैसे हमने देखा था कि बोरोन क्या करता है, बोरोन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में बोरोन का रोल है, लेकिन अभी हमने आयरन देखा और आयरन के मेटाबॉलिज्म में कौन हेल्पफुल होता है, मैगनीज। इसको आप याद रख सकते हो, जैसे अभी हमने देखा था कि फेरिक को फेरस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैगनीज की प्रेजेंस चाहिए होती है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखो कि मैगनीज और आयरन में कुछ एसोसिएशन है और मैगनीज ही क्या करता है, आयरन के मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है। इसके अलावा ये क्या करता है, इसका रोल कहाँ पर होता है, रिस्पायरेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। लीव्स में जो क्लोरोफिल होता है
वो जो होता है मेन क्लोरोप्लास्ट, एक कंपाउंड, एक स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये पूरा प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का। तो ये मैग्नीज जो होता है अपना रोल प्ले करता है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में, एंड आफ्टर दैट प्रोटेक्ट्स द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में और स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने में मैग्नीज का रोल होता है। देन आफ्टर दैट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है SOD, ये तो यू कैन मार्क इट वेरी इंपॉर्टेंट। मैग्नीज क्या करता है, SOD के प्रोडक्शन में भी रोल प्ले करता है। अभी SOD मतलब क्या होता है, सुपर ऑक्सीडेज डिसम्यूटेज। तो सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज क्या है, ये लास्ट में लिखो डिसम्यूटेज, एज लगा है तो उसका मतलब क्या है कि ये कोई इंजाइम है। ओके, तो जो ये है SOD यानी सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, ये एक तरह का इंजाइम है। अब ये इंजाइम है ये क्या काम करता है, बेसिकली प्लांट्स को एक तरह का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हम सबको पता है प्लांट्स जो होते हैं, अगर हम प्लांट्स को किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन में रख दें, स्ट्रेसफुल कंडीशन का मतलब बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा है कहीं, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, पानी नहीं मिला है प्लांट्स को, उस टाइम पे क्या होता है कि प्लांट में क्या बनने लगते हैं, ROS बनने लग जाते हैं। अभी ROS क्या होता है, ROS का मतलब होता है रेडिकल ऑक्सीजन स्पीशीज, यानी जो फ्री रेडिकल वाली ऑक्सीजन स्पीशीज होती हैं वो क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, फ्री रेडिकल ऑक्सीजन स्पीशीज जो होती हैं वो क्रिएट हो जाती हैं, और ये जो होते हैं ROS, ये प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। इनका क्या इफ़ेक्ट होता है, हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है प्लांट्स में, हार्मफुल इफ़ेक्ट, इसकी वजह से जो प्लांट्स हैं वो जल्दी मर भी जाता है। तो ये ROS ना बने, क्योंकि प्लांट स्ट्रेस कंडीशन में तो आएगा, और ROS ज़रूर बनता है। तो इसका ROS को, यानी जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ होती हैं, ROS का मतलब होता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ को ख़त्म करने के लिए जो ये एंजाइम है SOD, सुपर ऑक्सीडेज डिसम्यूटेज, ये क्या करते हैं, उनको ख़त्म करने में हेल्प करते हैं, उनको प्लांट से डिलीट आउट करने में अपना एक रोल प्ले करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्लांट्स के, प्लांट्स का जो कह सकते हैं सर्वाइविंग मैकेनिज्म होता है उनको ज़िंदा रखने के लिए। ठीक है, मैकेनिज्म होता है प्लांट में अपने आप को सेल्फ डिफेंस, एक कह सकते हैं बचाने के लिए, फ्री रेडिकल ऑक्सीजन स्पीशीज से बचाने के लिए प्लांट में एक मैकेनिज्म डेवलप है। तो वहाँ पे ये SOD जो होता है, सुपर ऑक्सीडेटिव डिसम्यूटेज, वो हेल्पफुल होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी SOD क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं क्लोरोप्लास्ट को फ्री ऑक्सीजन रेडिकल स्पीशीज से या ऑक्सीजन से। ठीक है, इनको डिलीट करते हैं, और ये हिल रिएक्शन में रिस्पॉन्सिबल होता है। हिल रिएक्शन क्या है, ये एक तरह की रिएक्शन होती है जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान, आपने पढ़ा होगा, हिल रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है। वहाँ पे भी अपना जो मैग्नीज है वो रोल प्ले करता है। तो मैग्नीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना SOD। अ गुड मैग्नीज सप्लाई हेल्प इन कंट्रैक्टिंग द बैड इफेक्ट ऑफ पुअर एरिएशन। उसके बाद ये कंटेंट याद रखना, 25 से 500 यानी 25 to 500 मिलीग्राम पर kg मैग्नीज जो है वो एक हेल्दी प्लांट में पाया जाता है। कंटेंट आपको सबका याद रखना है, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका मिलीग्राम से स्टार्ट होगा। ठीक है, बोरोन था हमारा 10 to 200, आयरन 100 to 500, मैग्नीज 25 to 500। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज़ जिंक। जिंक का क्या काम होता है, हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ SOD, ये भी ध्यान रखना। अभी इससे पहले मैग्नीज देखा था, मैग्नीज भी क्या करता है, मैग्नीज भी SOD प्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है। इसी तरह जिंक भी SOD के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। और SOD का क्या रोल है, आपको सबको समझ में आ गया। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। कोई भी प्लांट जब स्ट्रेस कंडीशन में आता है, फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, ड्राउट की कंडीशन होती है, सूखा पड़ जाता है, उस टाइम पे हम कहते हैं कि प्लांट अंडर स्ट्रेस कंडीशन। और स्ट्रेस कंडीशन में प्रोड्यूस होते हैं ROS। ROS का मतलब होता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, यानी जो ऑक्सीजन स्पीशीज़ हैं वो रिएक्टिव हो जाती हैं, वो कह सकते हैं जो फ्री रेडिकल्स वाली ऑक्सीजन होती हैं वो प्रोड्यूस हो जाती हैं। और फ्री रेडिकल जो होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में भी अगर फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनके अगेंस्ट एंटी ऑक्सीडेंट खाना शुरू कर देते हैं। जिस खाने में एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं वो हम खाना खाते हैं, ताकि एंटी ऑक्सीडेंट क्या कर सकते हैं, जो इन फ्री रेडिकल्स को ख़त्म कर दें, नष्ट कर दें। तो वैसे ही सेम प्रोसीजर प्लांट में भी क्या होता है, ROS को ख़त्म करने के लिए ये जो एंजाइम है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और ये एंजाइम को बनाने के लिए हमको मैग्नीज चाहिए, जिंक चाहिए। ठीक है, आफ्टर दैट जिंक क्या करता है, इट इज़ अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स एंड एल्कोहलिक एनहाइड्रेट्स। ये एंजाइम्स होते हैं, इनके फॉर्मेशन में भी, इनके कंस्टिट्यूएंट्स में भी जो जिंक है वो रोल प्ले करता है।
आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज। इस एंजाइम को बनाने में भी जिंक की ज़रूरत पड़ती है। देन IAA इंडोल एसिटिक एसिड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन होता है, इसके सिंथेसिस में भी जिंक रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इंडोल एसिटिक एसिड ये एक नेचुरल हार्मोन है, एक तरह का ऑक्सीजन है, ये नेचुरल प्लांट ऑक्सीजन हार्मोन होता है। ठीक है, इंडोल एसिटिक एसिड। आफ्टर दैट इट एसेंशियल वाटर अपटेक, जो वाटर अपटेक होता है प्लांट्स में एट हाई पीएच, अगर पीएच बहुत ज़्यादा हाई होता है, हाई पीएच का मतलब क्या होता है, जब हाई पीएच से आप समझ लो कि पीएच कैसा है, एल्कलीन है। लो पीएच का मतलब होता है एसिडिक और हाई पीएच का मतलब है एल्कलीन पीएच जब हो रहा है। तो जिंक जो होता है कन्वर्टेड इनटू नेगेटिवली चार्ज जिंकेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हाई पीएच में सिंपली हम मान सकते हैं जब पीएच बहुत ज़्यादा हाई होता है, एल्कलीन होता है, तो क्या कौन सा कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जिंकेट कॉम्प्लेक्स जो है वो बनने लगता है, हुज अवेलेबिलिटी इज़ रिड्यूस इन एल्कलीन सॉइल। ठीक है, और कह सकते हैं जिंक की जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है, जिंकेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होने लगता है। कैल्शियम जिंकेट इज़ फॉर्म्ड एट हाई पीएच एंड दस फिक्स्ड, और जिंकेट कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो कैल्शियम के संग बाइंड होकर कैल्शियम जिंकेट कंपाउंड बना देते हैं जो कि सॉइल में फिक्स हो जाता है। आफ्टर दैट इसका जो कंटेंट होता है दैट इज़ 20 to 150 मिलीग्राम पर केजी ऑफ ड्राई मेटर। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉपर। इट्स प्रेजेंस इन सॉइल इज़ लेस देन 1 ppm। तो जितने भी हम पढ़ रहे हैं वो माइक्रो एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं, तो उनका कंटेंट जो है वो 1 ppm से ही कम होता है। ठीक है, मोर फाउंड इन बेड रॉक्स इन फॉर्म ऑफ कॉपर आयरन पायराइट, ये जो बेड रॉक्स होते हैं उसमें कॉपर जो है वो कॉपर आयरन पायराइट की फॉर्म में पाया जाता है। दैट इज कॉपर आयरन पायराइट का फॉर्मूला होता है कॉपर यानी Cu, आयरन दैट इज Fe, और पायराइट जो हम यूज़ करते हैं वो सल्फर आयरन पायराइट जो है उसमें सल्फर के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड टेक पार्ट्स इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन, प्लांट्स में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें कॉपर का रोल होता है, जैसे प्लास्टोसियानिन पर ऑक्सीडेज, कुछ ऑक्सीडेज एंजाइम्स होते हैं वहाँ पे इसका रोल होता है। SOD के प्रोडक्शन में भी ये हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा सबसे पहले जो SOD का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है वो कहाँ कहाँ से हुआ है। SOD का प्रोडक्शन कौन करता है, मैंगनीज करता है, जिंक भी करता है, और अब हमने पढ़ा कॉपर के बारे में, कॉपर भी SOD से रिलेटेड है। लोकेशन ऑफ SOD प्रोडक्शन स्ट्रोमा एंड प्रोटेक्ट द डिसइंटीग्रेशन ऑफ थैलाकॉइड्स, ये थैलाकॉइड्स के डिसइंटीग्रेशन को बचाता है, क्योंकि SOD का प्रोडक्शन एक्चुअली होता कहाँ है, जो स्ट्रोमा होता है, जैसे लीव्स होता है, लीव्स में थैलाकॉइड स्ट्रोमा डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, तो स्ट्रोमा में SOD का फॉर्मेशन होता है। देन आफ्टर दैट हेल्प इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ, किसका प्रोडक्शन करते हैं, फ्लावर्स, प्लांट्स में जो फ्लावर प्रोडक्शन होता है वो कॉपर की वजह से होते हैं। कॉपर इज़ रिक्वायर्ड इन फ्लावरिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ ग्रेन, तो फ्लावरिंग और डेवलप ग्रेन्स के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, ग्रेन्स और फ्लावर के डेवलपमेंट के लिए कॉपर बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है। इसका जो अमाउंट है दैट इज़ 5 to 20 mg, सबसे कम है, अभी तक हमने जो पढ़ा सबसे कम यही है। ठीक है, कॉपर है सबसे कम, हमारा कॉपर आ रहा है अभी, ठीक है, 5 to 20, और स्टिल इसका जो फंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लावरिंग में और ग्रेन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। आफ्टर दैट मैगनीज आता है, सॉरी मॉलिब्डेनम आता है, ये भी माइक्रो ट्रेस एलिमेंट में गिना जाता है मॉलिब्डेनम। इसमें क्या होता है कि दो एंजाइम होते हैं, ठीक है, टू कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजनेस, नाइट्रोजनेस एक एंजाइम है, इसके दो कंपोनेंट होते हैं नाइट्रोजनेस में, आयरन और आयरन मॉलिब्डेनम, एक तो सिर्फ आयरन होता है अकेला और दूसरा होता है आयरन और मॉलिब्डेनम। तो जो नाइट्रोजनेस होता है इसके दो कंपोनेंट में मॉलिब्डेनम का रोल होता है। व्हेन 1000 एटम्स ऑफ आयरन इज प्रेजेंट देन 4th एटम ऑफ मॉलिब्डेनम इज रिक्वायर्ड, ये स्टेटमेंट तो इंपॉर्टेंट नहीं है। इन बैक्टीरिया मॉलिब्डेनम कैन बी रिप्लेस बाय वैनेडियम, तो ये तो हमने पीछे ही पढ़ा था कि मॉलिब्डेनम को किससे रिप्लेस करते हैं, मॉलिब्डेनम को रिप्लेस करते हैं वैनेडियम के साथ, और ये हमने कब पढ़ा था, जब हमने क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी पढ़ा था, याद करो क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी के 3 पॉइंट्स में जो सेकेंड वाला बी पॉइंट था उसमें ये था कि अगर प्लांट्स में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की डेफिशिएंसी होती है तो उसको करेक्ट करने के लिए हमें वही
प्लांट एलिमेंट ही सप्लाई करना होगा, उसके लिए हम कोई दूसरा प्लांट एलिमेंट सप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ, रिसर्च के बाद ऐसा पाया गया कि अगर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट की डिफिशेंसी है तो उसको सब्सटीट्यूट करने के लिए हम दूसरा एलिमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर मॉलिब्डेनम की डिफिशेंसी है तो आपको मॉलिब्डेनम ही सप्लाई करना है, अगर मॉलिब्डेनम की डिफिशेंसी है तो हम वैनेडियम भी प्लांट को सप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मॉलिब्डेनम का सब्सटीट्यूट है वैनेडियम। ऑब्वियस रोल इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो मॉलिब्डेनम क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्पफुल होता है और इसका जो कंटेंट है दैट इज़ 0.22 मिलीग्राम, बहुत ही कम है। ठीक है, तो अभी सबसे कम मॉलिब्डेनम का ही परसेंटेज है 0.2 से 2 मिलीग्राम। देन क्लोरीन, क्लोरीन क्या करता है, प्लांट्स की जो लीफी प्लांट्स होते हैं जैसे टोबैको हो गया, अभी हमने पीछे पोटेशियम देखा था कि पोटेशियम भी क्या करता है, एक मैक्रो एलिमेंट्स में आता है पोटेशियम, ये टोबैको की लीव्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। बट साथ साथ में जो हमारा कैल्शियम है, कैल्शियम भी टोबैको की जो लीव्स की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करता है। इसके अलावा टोमेटो, पोटैटो, शुगर बीट, वीट और पी, इन सबको भी क्या करते हैं, इन सब के लिए भी एसेंशियल है। जनरल रिक्वायर अबाउट 1 kg क्लोरीन आयंस फॉर ईच 400 kg ऑफ ड्राई मैटर, अगर 4000 kg ड्राई मैटर बनाना है तो 1 kg उसमें क्लोरीन आयंस होने चाहिए। ठीक है, ये इसका कंसंट्रेशन है। इन टोबैको इट इंक्रीज द वाटर कंटेंट ऑफ द टिश्यू एंड अफेक्ट्स द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, तो जो टोबैको होता है, टोबैको में वी ऑल नो उसकी लीव्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो टोबैको में वाटर कंटेंट को बढ़ाने का काम करता है क्लोरीन, और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है क्लोरीन। इससे पहले हमने बोरोन को बारे में भी पढ़ा था, बोरोन भी क्या करता है, बोरोन शुगर ट्रांसलोकेशन में तो हेल्प करता ही करता है और साथ में कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसका मेटाबॉलिज्म भी, इसमें के मेटाबॉलिज्म में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है बोरोन का, और साथ में कैल्शियम भी क्या क्लोरीन भी क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है। देन आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू अर्नन, क्लोरीन इज रिक्वायर्ड फॉर प्राइमरी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, प्राइमरी फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में भी क्लोरीन यूजफुल होता है अकॉर्डिंग टू अर्नन। आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट व्हेन इज गिवन क्लोरीन हिल रिएक्शन इज़ बेटर, तो क्लोरीन क्या करती है, हिल रिएक्शन को भी इफेक्ट करती है। हिल रिएक्शन अभी बताया था फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड एक रिएक्शन होती है। ड्यू टू क्लोरीन टोबैको लीव्स बिकम थिक, ब्रिटल एंड डोंट बर्न यूनिफॉर्मली, वेर एज प्रॉपर पोटेशियम रिजल्ट शाइनिंग लस्टर एंड प्रॉपर बर्निंग। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो लीफी लीफ होती हैं टोबैको की, वो क्या करती हैं, क्लोरीन अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो ख़राब हो सकती हैं। ठीक है, ड्यू टू क्लोरीन टोबैको लीव्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएंगी और ये डिज़ायरेबल नहीं है, ब्रिटल है, टूट सकती हैं, डजेंट बर्न यूनिफॉर्मली। और टोबैको में तो आप सबको पता है कि जो लोग टोबैको यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, उसको जब स्निफिंग च्यूइंग ये सब करते हैं, जब उसको जलाते हैं तो यूनिफॉर्मली जलता है तो अच्छा रहता है। तो अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर क्लोरीन का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा तो वो यूनिफॉर्मली बर्न नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर बात करें पोटेशियम की, के की, तो पोटेशियम क्या करते हैं, लीव्स को शाइननेस, लस्टर, एक प्रॉपर बर्निंग प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें टोबैको के लिए, टोबैको के लिए क्लोरीन अच्छा है या पोटेशियम, तो आंसर इज़ पोटेशियम। ठीक है, क्लोरीन अच्छा नहीं है, क्लोरीन इज़ बैड फॉर टोबैको लीव्स। क्लोरीन इंटरफेयर इन द स्टार्च फॉर्मेशन एंड अवॉइड इन राइज, तो ये स्टार्च के फॉर्मेशन में बाधा उत्पन्न करता है, जो क्लोरीन है वो एक तरह से बैरियर होता है स्टार्च के फॉर्मेशन में। एंड वी ऑल नो जो राइस होता है उसमें स्टार्च कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, पोटैटो होता है उसमें स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसी ऐसे जो क्रॉप्स होते हैं जिसमें स्टार्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए स्टार्च का फॉर्मेशन ज़रूरी है, उसमें हम क्लोरीन फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं करते, बिकॉज क्लोरीन जो होता है स्टार्च के फॉर्मेशन में इंटरफेयर करता है, हिंडरेंस क्रिएट करता है। क्लोरीन का जो अमाउंट है दैट इज़ 100 to 500, 100 से 500 मिलीग्राम के बीच में रहता है। इसके अलावा ये अमाउंट हमने और कहीं भी पढ़ी थी, दैट इज़ इन आयरन। तो जो आयरन है और क्लोरीन है, आयरन और क्लोरीन का अमाउंट प्लांट्स में सेम रहता है, आयरन एंड क्लोरीन। देन निकल एब्जॉर्ब बाय प्लांट इन Ni2 पॉजिटिव फॉर्म, और निकल के बारे में एक फैक्ट आप याद रखना कि अर्नन और स्टाउट ने जब क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी दिया था उनके टाइम पे 16th एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए थे, लेकिन जो 17th एलिमेंट डिस्कवर्ड हुआ था दैट इज़ निकल। क्वेश्चन अगर बनता है तो निकल इसका राइट आंसर होगा।
बाद में हम देखते हैं कि निकल का जो अमाउंट होता है वो होता है 1 to 10 मिलीग्राम, और ये इसेंशियल होते हैं कुछ इंजाइम्स हैं हमारे, जो हमारे इंपॉर्टेंट इंजाइम्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजिनेस है, निकल उसमें बहुत ही इसेंशियल रोल प्ले करता है हाइड्रोजिनेस की फॉर्मेशन में, मिथाइल रिडक्टेज, यूरिएज एक्टिविटी जो होती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इंजाइम्स हैं ये तीनों, आप याद रख लो, हाइड्रोजिनेस, मिथाइल रिडक्टेज और यूरिएज, इसमें निकल अपना रोल प्ले करता है। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में भी हेल्पफुल होते हैं, तो देख लो अभी नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, इससे पहले हमने पढ़ा था बोरोन के लिए पढ़ा था, ठीक है, बोरोन किस किस के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, बोरोन रेगुलेट करता है कैल्शियम के, नाइट्रोजन के और CHO, CHO माने कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, तो बोरोन तीनों के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, जबकि निकल एन फॉर निकल एंड एन फॉर नाइट्रोजन, निकल नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। निकल जो होता है ग्रेन फिलिंग और सीड की वाइटलिटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, तो ग्रेन फिलिंग में और सीड की वाइटलिटी को मेंटेन करने का काम निकल का होता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट माइक्रो एलिमेंट कोबाल्ट। कोबाल्ट में बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि कोबाल्ट किस विटामिन का कंपोनेंट है, तो जो विटामिन B12 है उसका इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है कोबाल्ट, यानी अगर हम विटामिन B12 का स्ट्रक्चर देखते हैं उसके स्ट्रक्चर में कोबाल्ट हमको मिलता है, तो कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, विटामिन B12, ठीक है, और ये बहुत ही इसेंशियल होता है लैग हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में, और सिंपली वी कैन से नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये बहुत रोल प्ले करता है। हम सबको पता है जितने भी पल्स क्रॉप्स होते हैं उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है कि जो नोड्यूल्स होती हैं, कोई भी पल्स क्रॉप्स का एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल चिकपी की जो जड़ें होती हैं, ये हमारा चिकपी है, चिकपी की जो जड़ें होती हैं उसमें नोड्यूल्स बने होते हैं, ठीक है, अभी नोड्यूल्स में क्या होता है कि एक लैग हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, जैसे इंसानों के अंदर हीमोग्लोबिन होती है वैसी नोड्यूल्स में लैग हीमोग्लोबिन होता है, और ये लैग हीमोग्लोबिन ही क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में रोल प्ले करता है, और जितना ज़्यादा लैग हीमोग्लोबिन होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रॉपर होगा, तो लैग हीमोग्लोबिन के लिए ज़रूरी है कोबाल्ट, ठीक है, तो मेक श्योर आप जब लेग्यूमिनस क्रॉप्स लगा रहे हो तो उसमें लैग हीमोग्लोबिन अच्छा हो, इसीलिए हम कोबाल्ट को यूज़ करेंगे, कोबाल्ट सप्लाई करेंगे ताकि लैग हीमोग्लोबिन अच्छा हो। Essential for the growth and metabolism of microorganisms required by the rhizobia. तो सबको पता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में rhizobia बैक्टीरिया नाम होता है, तो rhizobia बहुत ही फेमस बैक्टीरिया है, तो ये कोबाल्ट उसमें रोल प्ले करता है। इंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम करता है, जैसे ओरिजिनेज एंड लैसिथिनेज, दो इंजाइम है, इसमें कोबाल्ट अपने रोल प्ले करता है। बट ओवरऑल यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आता है वो आता है ये कि किस विटामिन में स्ट्रक्चर होता है और उसका लैग हीमोग्लोबिन में इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट, ठीक है, तो ये जो हम पढ़ रहे हैं नकोफ्सी, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था नकोफ्सी, नकोफ्सी का मतलब कहता है नकोफ्सी, दैट इज सोडियम कोबाल्ट वैनेडियम एंड सिलिकॉन, ठीक है, ये जो होते हैं ये बेनिफिशियल होते हैं, बेनिफिशियल नॉट बेनिफिशियल फंक्शनल एलिमेंट्स जो हमने पढ़े थे, फंक्शनल न्यूट्रेंट टर्म किसने दिया था, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन पूछा था, तो फंक्शनल न्यूट्रेंट टर्म जो है निकोलास ने दिया था, ठीक है, और फंक्शनल न्यूट्रेंट्स में क्या होता है कि जितने भी हमारे अर्नन के टाइम के 16 एलिमेंट्स थे उसमें ये नकोफ्सी को भी ऐड कर देते हैं, दैन बिकम फंक्शनल एलिमेंट और फंक्शनल न्यूट्रेंट। अब हम पढ़ते हैं सोडियम के बारे में, इसेंशियल फॉर शुगर बीट एंड सच क्रॉप्स, ठीक है, तो शुगर बीट की क्रॉप्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है सोडियम, इन्फ्लुएंस वाटर रिलेशन इन शुगर केन एंड इंक्रीज देयर रेजिस्टेंस टू ड्राउट, तो शुगर बीट जो होता है, शुगर बीट में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वाटर को बैलेंस करने का काम करता है और उसको ड्राउट से रेजिस्टेंस जो है उसकी में प्रोवाइड करता है, किसमें, शुगर बीट में, तो शुगर बीट के लिए इंपॉर्टेंट है सोडियम। इन हाई प्लांट सोडियम इसेंशियल एंड टू सम एक्सटेंट इट कैन बी सप्लीमेंट फॉर पोटेशियम, ये पोटेशियम का सप्लीमेंट भी बन सकता है, ठीक है, यानी अगर हमारे पास सोडियम नहीं है तो हम पोटेशियम डाल सकते हैं, पोटेशियम नहीं तो हम सोडियम को सप्लीमेंट कर सकते हैं, तो इसका रोल बस आप याद रखना, सोडियम में शुगर बीट का एग्जाम्पल आप दे सकते हो। वैनेडियम ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, वैनेडियम सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में इसका रोल है, रिपोर्टेड इन BGA जो ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं, एल्गे की ग्रोथ के लिए वैनेडियम ज़रूरी होता है, और मैंने आपको एक चीज़ और यहाँ पे बताई थी
यहाँ बुक में मेंशन नहीं है कि जैसे हमने जब टेबल पढ़ी थी कि कौन सा एलिमेंट प्लांट को किस फॉर्म में चाहिए होता है, जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन जो होता है वो चाहिए होता है NO3 नेगेटिव या फिर NH4 3 फॉर्म में चाहिए होता है, वैसे ही निकल जो चाहिए होता है वो चाहिए होता है Ni पॉजिटिव फॉर्म में, ठीक है। वैसे ही वैनेडियम किस फॉर्म में चाहिए होगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि बुक में मेंशन नहीं है वैनेडियम के बारे में, बट मैंने आपको बताया था कि वैनेडियम प्लांट्स किस फॉर्म में वैनेडियम को लेना पसंद करते हैं, तो प्लांट्स क्या करते हैं V2O5, ये क्या है, ये एक नॉन आयनिक फॉर्म है, ठीक है। प्लांट्स जो होते हैं वो ज़्यादातर आयंस को आई मीन ज़्यादातर एलिमेंट्स को आयनिक या फिर नॉन आयनिक फॉर्म में लेना पसंद करते हैं, और जो वैनेडियम है पार्टिकुलरली वो नॉन आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता, वो आई मीन आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता, नॉन आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और उसकी फॉर्म का नाम है V2O5, ये आपको याद रखना है। अभी वैनेडियम क्या करता है, मैंने आपको बताया नाइट्रोजन फिक्सेशन और BGA यानी ब्लू ग्रीन एल्गे, एल्गे की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है वैनेडियम, जैसे नॉस्टॉक एनाबिना ये ब्लू ग्रीन एल्गे की एग्जांपल है, नॉस्टॉक एनाबिना, और प्लांट्स में इसका जो रिक्वायरमेंट होती है वो 1 PPM से कम होती है, इट इज़ अबाउट 0.1 से 1 PPM। वैनेडियम में इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सिलिकन आ जाता है हमारा, सिलिकन में क्या होता है, सिलिकन जो होता है इट इज़ एसेंशियल टू सर्टेन डायटम्स, जो डायटम्स होते हैं उनके लिए ज़रूरी है सिलिकन। सिलिशियस सेल वॉल मेड अप ऑफ सिलिकन, सिलिकन जो होता है सेल वॉल में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, प्रोटेक्ट द फूड मटीरियल विच इज़ ऑयल्स इन डायटम्स, गिव्स रेजिस्टेंस टू राइस एंड परहैप्स अदर क्रॉप्स लाइक कुकुम्बर एंड बार्ले, तो रेजिस्टेंस शो करते हैं राइस में, कुकुम्बर बार्ले इस टाइप के क्रॉप्स में सिलिकन क्या करता है, रेजिस्टेंस शो करता है। सिलिकन इज रिपोर्टेड टू इंक्रीज द टॉप लेंथ, यानी जो सिलिकन होता है वो क्या करता है, सिलिकन एक तो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है क्रॉप्स को, दूसरा सिलिकन टॉप लेंथ को मेंटेन करता है, और नंबर ऑफ स्टैम्स जो होती हैं उसको इंक्रीज करता है, फ्रेश ड्राई मेटल इंक्रीज करता है, किसमें, राइस में, ठीक है। जब हम राइस कल्टीवेट करते हैं तो राइस में उसकी स्टैम्स को बढ़ाना, उसकी ड्राई वेट को बढ़ाने का काम करता है सिलिकन। नेक्स्ट आता है सिलीनियम, सिलीनियम जो होता है वैसे प्लांट्स में अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो टॉक्सिक होता है, और बेसिकली अगर हम बात करें सिलीनियम की तो सिलीनियम प्लांट्स के लिए इतना ज़्यादा एसेंशियल नहीं होता जितना ज़्यादा वो एसेंशियल होता है एनिमल्स के लिए। एनिमल्स को कैसे सिलीनियम मिलते हैं, तो सपोज जो जो हमारे लाइफ स्टॉक वाले एनिमल होते हैं कैटल बफेलो ये सब, तो इनको हम क्या देते हैं, जो हमारे फॉडर क्रॉप्स होते हैं, तो जो हमारे फॉडर क्रॉप्स होते हैं जैसे मेज़ इंपॉर्टेंट फॉडर क्रॉप है हमारा, बरसीम हो गई, तो इन फॉडर क्रॉप्स में अगर हम सिलीनियम अच्छा खासा होगा तो वो सिलीनियम क्या होगा, लाइफ स्टॉक के जो एनिमल्स हैं उनको मिलेगा, और एनिमल्स के लिए सिलीनियम गुड होता है। अगर हम कंपेयर करें प्लांट्स और एनिमल्स को तो प्लांट्स के लिए तो ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट एनिमल्स के लिए डेफिनेटली सिलीनियम बहुत अच्छा होता है। अब सिलीनियम क्या करता है, इट कैन बी रिप्लेस विद सल्फर इन द प्रोडक्शन ऑफ मेथियोनिन। अभी हमने देखा कि सल्फर जो कि एक मैक्रो एलिमेंट है वो सेकेंडरी है, कैल्शियम हमने देखा था, कैल्शियम सल्फर मैग्नीशियम ये सेकेंडरी में आता है, तो सल्फर क्या करते हैं, सल्फर हमारा जो अमीनो एसिड्स होते हैं, हमने 3 अमीनो एसिड्स पढ़े थे, वो 3 यहाँ पे भी मेंशन है अगेन, मेथियोनिन सिस्टीन एंड सिस्टाइन, ये 3 अमीनो एसिड्स बनाने के लिए सल्फर की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर बाय चांस प्लांट में सल्फर नहीं है तो वहाँ पे हम सिलीनियम भी यूज़ कर सकते हैं, सिलीनियम क्या करता है सल्फर को रिप्लेस कर सकता है, याद रखो एज फॉर सिलीनियम एज फॉर सल्फर, तो सल्फर को रिप्लेस करके भी वही आएगा जिसका एस से स्टार्टिंग हो रही है, ये या आप याद रख सकते हो इसे। तो हमने 3 अमीनो एसिड्स देखे थे, क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि 3 अमीनो एसिड्स होते हैं मेथियोनिन सिस्टीन एंड सिस्टाइन, इसमें कौन सा एलिमेंट अपना रोल प्ले करता है, तो आंसर इज सल्फर, और सल्फर को रिप्लेस करके कौन आ रहा है वो है सिलीनियम, ठीक है, क्योंकि जो है ये एनालॉगस हैं, अगर हम सल्फर और सिलीनियम को देखें थोड़ा सा एनालॉगस हैं, एनालॉगस का मतलब होता है कि इनका जो फंक्शन है वो सेम होता है, एनालॉगस का मतलब सेम फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं। एल्यूमिनियम क्या करता है, एक्टिवेटर ऑफ ग्लैंडुलर सिस्टम बट मोर अबंडेंट हैज़ टॉक्सिक इफेक्ट, ठीक है। ऐसे सिलीनियम में भी क्या होता है, अगर ज़्यादा अबंडेंस में पाया जाएगा तो टॉक्सिक इफेक्ट होगा, और एल्यूमिनियम भी क्या है अबंडेंस में पाया जाएगा तो टॉक्सिक इफेक्ट होगा, वैसे एल्यूमिनियम क्या करता है ग्लैंडुलर सिस्टम को एक्टिवेट करने का काम करता है।